देखो बाराबंकी और ये देखो कानपुर। अरे ये कौन सा गांव है? अरे यहाँ पे तो मेरी मौसी रहती हैं। अच्छा, अरे वहाँ देखो, वहाँ लखीमपुर के पास कोई नैनापुर गांव है। हाँ, यहाँ है, वहाँ मेरी ताईजी रहती हैं। अच्छा, लगता है आज नक्शे में रिश्तेदारों को ढूंढा जा रहा है, गांव को नहीं। नहीं, हम लोग तो गांव को ढूंढ रहे थे। दीदी दीदी, भारत इतना बड़ा देश है और उसमें इतने सारे गांव हैं, लेकिन दिल्ली में तो सिर्फ एक ही सरकार होती है, तो वो इन सारे गांव को कैसे चलाती है? बात तो तुम ठीक कह रही हो राशि, भला एक सरकार इतने सारे गांव को कैसे चलाती होगी, बड़ी मुश्किल होती होगी। कैसी मुश्किल है? सारे बच्चे आज इकट्ठे कैसे शाम के समय? क्या बात है भाई? हाँ, क्या भाई, नक्शे में क्या देख रहे हो, जरा देखिए। बुआ जी, वो हम लोग गांव को देख रहे थे। हाँ, भारत में तो सिर्फ इतने सारे गांव हैं और दिल्ली में सिर्फ एक सरकार है, भला एक सरकार इतने सारे गांव को कैसे चलाती होगी? बहुत आसान है बेटे, कि आपने देखा है ना, चबूतरे पे दादाजी हैं, चाचा वगैरह बैठे रहते हैं जी, तो गांव में पंचायत होती है और वही सरकार का रूप होती है, ठीक है? और उसके द्वारा सरकार जो है गांव के पंचायत के माध्यम से हमारा शासन चलाती है। कोई कठिन तो नहीं इसमें? तुम पूछो करण, क्या पूछ रहे थे? बुआ जी जरा ठीक से बताइए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जरा ध्यान से तो सुनो भाई, अभी समझाते हैं तुम्हें। देखो ऐसा होता है, आप ये देखो कि एक जिला पंचायत होती है, ठीक है? जैसे आप देखते हो ना, एक हमारा देश हुआ, उसमें जिले में बटा हुआ है जी। तो जिला पंचायत के नीचे जो है वो क्षेत्र पंचायत आती है जी, जी। और क्षेत्र पंचायत के नीचे हमारी ग्राम पंचायत है, जहाँ पर हम लोग गांव में रहते हैं, तो ग्राम पंचायत है। तो ये तीनों जो संस्थाएं हैं, ये हमारे पूरे शासन को, जो गांव है तरह तरह के, इन पर शासन करती है, ठीक है? ये और पूछो बुआ जी, ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत में ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पर चुनाव होते हैं समय समय पर। चुनाव आपने देखे जी, है ना? और आपके पापा तो कहीं गए थे ना चुनाव में शाम के समय? कहाँ गए थे बेटा? बुआ जी, वो पिछले हफ्ते मेरे पापा जी वहाँ पे पंचायतों के चुनाव में मेरे पापा जी को ड्यूटी दी गई थी। ड्यूटी दी थी ना जी, तो वहाँ पर चुनाव हुआ था बेटा। वो किसके लिए होता है? प्रधानों के लिए, ठीक है? और ये जो चुनाव होता है, ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तुम्हें पता है गुप्त मतदान क्या होता है? बुआ जी, गुप्त मतदान क्या होता है? नहीं पता? तो अरे जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं जिसमें छोटी छोटी चिट्स डाली जाती हैं। हाँ, उसमें क्या करते हैं कि जैसे मुझे चुनना हुआ किसी को, तो मैं उसका नाम उस पर मोहर लगा करके, ऐसे मोड़ करके उसको हम डाल देते हैं चुपके से, कि किसी को नाम नहीं बताते जी। उसको हम कहते हैं गुप्त मतदान। फिर एक अधिकारी उन बक्सों को इकट्ठा खोला जाता है और बहुत ही गोपनीय तरीके से उनकी गणना होती है, और तब जाकर के उनके नतीजे निकलते हैं और प्रधान चुन लिया जाता है, और वो प्रधान जो है पूरे पंचायत का प्रमुख होता है और हमारी सारी समस्याओं को देखता है, ठीक है? तो ये इसमें होता है। और क्या होता है कि ग्राम पंचायत में जैसे तुम देखते हो सड़कें हैं, देख लो ना, तो उस दिन वहाँ पे बैलगाड़ी गिर गई थी तो वो टूटी फूटी थी, तो अगले दिन वहाँ पर लोग मरम्मत करने आ गए थे, देखा था ना तुमने? तो वो भी सड़कों की मरम्मत कौन करेगी बताओ? ग्राम पंचायत के लोग करते हैं। ये है कि भाई गांव वालों को थोड़ा सा मुस्तैद होना पड़ेगा कि वो खबर पंचायत तक पहुंचाएं कि भाई यहाँ की सड़क खराब है ना, और इसके साथ साथ जहाँ पे मछली पल रही है बाहर, देखा पूरब की तरफ एक तालाब है, तो उस तालाब में, उस तालाब का भी रखरखाव भी पंचायत ही करती है। इतने छोटे छोटे काम जो तुम सोच नहीं सकते हो, वो भी पंचायत करती है। अरे बुआ जी, वो गांव के बाहर एक वो है ना कब्रिस्तान, हाँ हाँ, उसकी भी रखरखाव पंचायत ही करती है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा करण, कि जो गांव के बाहर कब्रिस्तान है, यहाँ तक कि मैंने उस तक की जो देखभाल है वो पंचायत की जिम्मेवारी में आता है। आप देखते हो रात में चौकीदार पहरा देता है ना? जी, और आप देखते हो कि समय समय पोलियो के टीके लगते हैं, चेचक के टीके लगते हैं, इन सब की जिम्मेवारी भी पंचायत के ऊपर होती है। और इसके बाद आपने देखा होगा जो प्राथमिक विद्यालय है ना, जहाँ पर मास्टर निजी आती है पढ़ाने, है ना, बच्चे आते हैं पटरी वटरी लेकर के, तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा कैसे चल रही है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, दोपहर में उनको खिचड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, दलिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं पंचायत देखती है। आप खाते हो ना खिचड़ी दोपहर में? जी बुआजी। हाँ, पंचायतों के पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ हाँ, अभी बताते हैं पंचायतों के पास पैसे कहाँ से आते हैं। देखो पहले तो ये देखो कि इसके साथ साथ और क्या करती है वो, कि जैसे बच्चा पैदा हुआ या कोई मर गया, तो उसका आंकड़ा भी सरकार तक कौन पहुंचाएगा भाई? देखो दिल्ली में सरकार को तो नहीं पता, तो क्या करते हैं कि ये जो पंचायत के लोग होते हैं, इसी का हिसाब रखते हैं, आंकड़े रखते हैं, वो भी सरकार को पहुंचाते हैं, ठीक है? पहले क्षेत्र पंचायत को, और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को, जिला पंचायत सीधे सरकार को ये खबर पहुंचती है और वो आंकड़े बन जाते हैं, ठीक है? और इसके साथ और क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कि आपने देखा होगा कि जैसे बाढ़ आ गई
जैसे बुआ जी उस पेड़ के पीछे एक अस्पताल है। हाँ वेरी गुड कि अस्पताल है, बहुत अच्छा कह रहे हो बेटा कि जो अस्पताल है वहाँ पर भी जितनी दवाइयाँ बटनी है, बाहर से दवाइयाँ आती हैं, मान लीजिए किसी को हैजा हो रहा है गाँव में, है ना जी, और एकदम से दस्त उल्टी की शिकायत हो जाती गर्मियों में, तो ये सारी चीजें या मलेरिया फैल गया, तो इन सब का रखरखाव भी हमारी पंचायतों के लिए पंचायत के प्रधान है ये पूरा देखते हैं। जी अब करण ने एक प्रश्न पूछा था कि भाई ये पैसे का इंतजाम कहाँ से होता है। जी जी पैसे के इंतजाम में ये है बेटा कि आप ये देखते हो कि गांव के बाहर ऐसे करके चुंगी लगी हुई है ना जी, जी, तो कोई गाड़ी गई सामान लेकर के, कोई गाड़ी आई तो चुंगी का पैसा दीजिए, तो इसको कहते हैं टैक्स लगना, टैक्स लगा दिया। कोई माल बाहर से आया, कोई यहाँ से गया, तो उस पर टैक्स लग गया। और आप देखते हो कि हर मंगल को हाट लगती है, देखते हो किनारे हाट लगती है, तो इनका प्रबंध भी कौन करेगा, पंचायत करती है। और उस मेले में जो दुकानें लगती हैं, हाट जो दुकानें लगती हैं, उनसे भी टैक्स लेता है कि भाई आपने इतनी जगह घेरी है, चलो इसके 10 रुपए दो या 20 रुपए दो। तो वो जो टैक्स है वो सारा पंचायत के हिस्से में जाता है और उससे वो उसको रखरखाव भी करती है। इसके साथ आप देखते हो कि जो धनिया जो हलवाई है उसके बगल में एक दुकान है ना, बीज की उन्नत किस्मों के बताने के लिए सरकार ने एक अपना ही खोला हुआ है, ऐसा है ना जी, दुकान सी बनी हुई है, ऑफिस से बना हुआ है। तो वहां पर हम क्या करते हैं पंचायत के लोग कि वो उन्नत बीजों की किस्मों के बारे में है या खाद कौन सी अच्छी है या इस समय कौन सी फसल बोए, तो ये सारी जानकारियां किसानों को पंचायत के माध्यम से ही समय समय पर दी जाती हैं। जी बुआ जी। अब रही बात फिर वही उठी कि टैक्स तो हुआ लेकिन खाली टैक्स तो बेटा काम नहीं बनेगा, और भी पैसा चाहिए, तो इसका जो निरीक्षण है निर्देशन है या इसकी जाँच जो है वो क्षेत्र पंचायत के लोग करते हैं कि ग्राम पंचायतों की आवश्यकता कितनी और कितना पैसा चाहिए। इसके लिए वो जिला पंचायतों को खबर करते हैं लिखित रूप से कि भाई हमें गांव के लिए इतना इतना पैसा चाहिए और इतना इतना बजट है, तो जिला पंचायत जो है वो ऊपर भेजती है उस चीज को सरकार के पास, और वहां से धन जो है वो पारित होकर के वो इसी व्यवस्था से कि पहले जिला पंचायत फिर क्षेत्र पंचायत फिर ग्राम पंचायत के हाथ में आता है और उसको हम बांट देते हैं। मान लीजिए किसी को कर्ज चाहिए अपनी जमीन को रख करके, उसको बीजे खरीदने हैं या उसको बैल चाहिए है ना जोतने के लिए, तो वो क्या करेगा यहीं से ऋण लेकर के उनसे सहायता से, उन्होंने बहुत सारे गाँव में बैंक भी हैं जो पंचायत की बातें सुनते हैं प्रधान की सहायता से, वो लोग इसको देखते हैं किस आदमी को हम ऋण दें कि न दें, ठीक है, तो इसमें भी हम प्रधान हमारी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और आप देखते हो कि उस दिन वो बैल मर गया था, देखा था वो उसको इंजेक्शन लगाया था एक डॉक्टर आकर, तो वो एक खास तरीके के डॉक्टर होते हैं जिनको हम पशु चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, वो भी प्रधान के सहयोग से ही जैसे देखा कि कौन सा जानवर बीमार है तो उसके लिए दवाइयां देना, या किसी किसान को बैल खरीदना है तो उसके लिए वो पैसा दें कि नहीं दें, तो जो ग्रामीण बैंक होते हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं प्रधान मिलकर के ये सब तय करते हैं कि हम किसानों की सहायता जानवर खरीदने में या उसका इलाज करने में इन सब के लिए हम प्रयोग करते हैं। जी जी बुआ जी। तो देख रहे हो पंचायत कितना कितना काम करती है। जी अरे बुआ जी, वो जो मेरे नाना जी क्या खेत में नल लगा है जहाँ पे सनी को नाना बहुत पसंद है, वो भी पंचायत ने लगाया है। हाँ शाबाश, बहुत सही याद दिलाया। तुम देख रहे हो कि जिसके नाना जी का जो खेत है जहाँ पे तुम लोग धमा चौकड़ी मचाते हो दोपहर में, मना करती है अम्मा तुम्हारी, और तुम लोग जाके वहाँ खूब नहाते हो डुबकी लगाते हो, हैं? तो उसमें जो पानी आता है वो भी पंचायत के सहयोग से आता है ना, बिजली की व्यवस्था करना कि भाई हमारे गांव में नलकूपों में इतने घंटे बिजली की सिंचाई करनी है, उससे तो बिजली भी कितने घंटे आएगी, उसको कैसे रखरखाव करना है, पूरा इंतजाम जो है पंचायत करती है। इसके साथ तुमने देखा होगा ना जो स्कूल के बाहर हैंडपंप लगा है, जितने बच्चे पानी पीने लगे हुए ना पानी की बोतल भर के ले जाते हैं और पानी पीते हैं स्कूल में, कितना आराम हो गया उनको, तो वो हैंडपंप भी जब पंचायत ने अनुशंसा की सरकार तक पहुंचाया इस चीज को, तो हैंडपंप के लिए पैसा आया, वो बजट होता है उसको, और गांव में करीब 10 हैंडपंप लगे, देख लो जगह जगह हैंडपंप लगे। इसके साथ आप ये देखते हो कि जो आपकी जो सहेली है ना मुनिया, उसकी अम्मा जाती है खेत में निराई गुराई करने, तो उसका बच्चा कहाँ रहता है उस समय, घर में नहीं रहता, आप कहाँ रहता है, आंगनवाड़ी केंद्र में रहता है। तो ये जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं इनका भी रखरखाव जो है पंचायत देखती है कि छोटे छोटे बच्चों की देखभाल और उनको समय समय थोड़ा थोड़ा पढ़ाना, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया वो उनको छोटा मोटा किताब में आ ई ई ये सब सिखाना, ये सब भी काम आंगनवाड़ी कार्य करती जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको देखती है। बाकी तो प्राथमिक विद्यालय है ही, लेकिन जिनकी माएँ हैं वो मैंने खेतों में काम करती हैं
तो क्या होता है कि ये आंगनवाड़ी केंद्र जो है उसकी सहायता करते हैं। जी बुआ जी, ये इसका काम होता है पंचायत का। तो आपके समझ में आया कि दादा लोग कितनी मेहनत करते हैं। जी बुआ जी, जी, जी। और एक चीज तो तुम भूल गए, जो तुम लोग टीवी देखते हो, टेलीविजन देखते हो, पंचायत बैठ कर और रेडियो देखते हो। हाँ, तुम तो नई पिक्चर देखोगी बिटिया। तो वो जो टीवी लगा हुआ है उसमें जो प्रोग्राम आते हैं बच्चों के लिए, शैक्षिक प्रोग्राम आते हैं, या किसानों के लिए कृषि दर्शन आता है, तो ये सारी चीजें जो हैं किसानों को और जो विद्यार्थी हैं या जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में, बीमारियों के बारे में, बच्चों को कैसा खाना दें, पौष्टिक खाना कैसे दें, है ना, और कैसे बनाए उसको, नई नई आविष्कार जो हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, कौन चुना जा रहा है सरकार में, तो ये जितनी भी नई नई अधुनातम जितनी भी जानकारियां हैं वो टेलीविजन या ये आकाशवाणी के माध्यम से जो रेडियो चलते हैं उसके माध्यम से पंचायतों पर लगे होते हैं, लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और उनको सुनते हैं और नई नई जानकारियां हासिल करते हैं। तो टीवी सेट की जिम्मेवारी भी कौन लेगा? पंचायत लेगी। और आप देखते हो कि जो तुम्हारी मौसी की लड़की है उसने एक अपने घर में वो डाला है ना, ये दरी वगैरह बनाने के लिए कारखाना, तो हथकरघा कारखाना, और जो उसने लघु उद्योग डाला है, वो मसाले पीसती है, धनिया वनिया जो हम हल्दी लिए थे तुम्हारी उनसे, तो जो उन्होंने लघु उद्योग डाला तो वो भी उन्होंने क्या करा कि पंचायत ने उनको बताया, प्रधानों ने बताया कि तुम स्वयं सहायता समूह बना लो। उससे क्या होता है कि 8-10 किसानों ने या औरतों ने मिलकर के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करा और उससे क्या करते हैं, एक जिन्हें जिसको जरूरत होती है वो पैसा ले लेती है और उससे अपना रोजगार फिर शुरू कर देती है। तो ये जानकारियां पहुंचाना, पैसे की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, जो इतना जटिल काम होता है, ये सब भी हमारे प्रधान या पंचायतें ही करती हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर पहुंचे तो यही जो प्रधान होते हैं ये चुन करके जाते हैं क्षेत्र पंचायत पर, है ना, और उसके जो अधिकारी होते हैं, और वो छोटे छोटे जो गांव होते हैं, दूर दराज में गांव होते हैं जहाँ पे केवल बैलगाड़ी या केवल साइकिल पहुंचेगी। आप देखते हो जो तुम्हारी ताई रहती है वो कितनी ऊंचे रहती है, ना, गांव में बिल्कुल जंगल में होकर जाना पड़ता है, वहां पर साइकिल के हम पैदल जाना पड़ता है, बिल्कुल डंडी पगडंडी होकर के। तो ऐसे भी गांवों की व्यवस्था वहां प्रधान के माध्यम से वहां की समस्याएं मिलती हैं और क्षेत्र पंचायत उनको देखती है और जाके उनका निरीक्षण करती है, जाँच करती है और फिर पैसे का हिसाब करती है। और इन्हीं क्षेत्र पंचायतों के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या कहिए कि उनके जो प्रधान या उनके प्रमुख होते हैं, वही चुन करके कहाँ जाएंगे, जिला पंचायतों या जिला परिषदों पर। अब देखो कि जिला परिषद कितना कठिन काम हो गया। जिला परिषद में इनके मुखिया तो हुए ही हुए, साथ साथ तुम देखते हो विधान परिषद, तुम देखते हो लखनऊ में एक बड़ी सी बिल्डिंग है हजरतगंज में विधानसभा, तो उसमें जो लोग बैठते हैं उनको हम कहते हैं उसके सदस्य, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य, तो वो भी इन जिला परिषदों के सदस्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इन समस्याओं को तभी तो जान पाएंगे और यहीं से तो वो चुन के जाते हैं, है ना। तो ये जो है जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के लोग, और इसके साथ साथ जो सांसद होते हैं, जैसे आपके यहाँ वो आए थे, एक सांसद आए थे ना, जो गाड़ी, हाँ चाचा जी, जिनकी गाड़ी के आगे बच्चे भाग रहे थे, तो वो जो बड़ा झंडा लगा हुआ था उनके आगे, तो वो जो सांसद हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। वो क्यों आते हैं समय समय पर कि भाई जो सरकार ने पैसा भेजा वो सही से लगा कि नहीं लगा, है ना, वो इसलिए आते हैं और उनको देखते हैं और उनकी समस्याएं लेकर के फिर से जाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो जिला परिषद जो है वो समझिए कि एक तरीके से बड़ी सरकार होती है पंचायतों के लिए, और उनके लिए वो देखते हैं, गाँव के लिए बजट बनाते हैं। और इसके साथ साथ आप देखते हो जिला जज जो होते हैं, जिला पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं।